राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के ऊपर हम लोगों को बातचीत करना है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर वन में पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ये है कि एक उसमें चीफ जस्टिस होंगे और चार जो है वो अन्य वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का ही। ये पांच लोग मिलकर के जिस नाम को सजेस्ट करते हैं उसी को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी तय किए गए हैं जो हम लोगों ने लेक्चर वन में देखा। अब सवाल है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात क्यों की गई। ये देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया जैसा एक देश है, जरा सा समझिएगा, वहाँ पर जो जजों की नियुक्ति होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो वहाँ कॉलेजियम सिस्टम के तहत नहीं होता। मतलब कि जज की नियुक्ति जज के द्वारा सजेस्ट जो दिया जाता है उसी के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक कमीशन बनाई गई है, एक आयोग बनाया गया है, और वह कमीशन या आयोग जिस नाम को सजेस्ट करती है वही वहाँ का जज होता है। ऐसा इसलिए कि ताकि भाई भतीजावाद ना हो। जैसे मान लो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ और कॉलेजियम सिस्टम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो भतीजा है, हमारा जो भाई है, हमारा जो ससुराल वाले पक्ष हैं, हमारा जो बहन के ससुराल वाले जो पक्ष हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं लोग को अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि हम जिसे सजेस्ट करेंगे वही तो वहाँ का जज बनेगा। और कुछ क्वालिफिकेशन जो तय किए गए हैं वो क्वालिफिकेशन उनको पूरा करवा देंगे और उसके बाद उन्हीं का नाम सजेस्ट करके वहाँ का जज बना देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद का बहुत बड़ा लहर था और है भी अभी भी। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार का सिस्टम है एक आयोग का, उसी तरीके से जो है वो 1982 का जो निर्णय आया था, जो हमने आपको लेक्चर वन में बताया था, 1982 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे पीएन भगवती, तो पीएन भगवती ने 1982 के निर्णय में कहा, सुझाव दिया कि भारत के अंदर में भी एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए और वह सजेस्ट जिस नाम को करे उसी को सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त करना चाहिए। जज को ही पावर नहीं देना चाहिए जज की नियुक्ति का, बल्कि एक आयोग बनना चाहिए, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया, ऐसा सजेशन दिया। इसके बाद 1987 ईस्वी में जो विधि आयोग है भारत का, लॉ कमीशन, विधि आयोग, उसने भी इस चीज़ को सजेस्ट किया कि भारत के अंदर में वाकई में नहीं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। तो ये जो बार बार सजेशन जो आ रहा था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए, इसको देखते हुए ऐसा लगा कि लगता है कि वाकई में ये देश का मांग है, इसलिए ऐसा कदम उठाना चाहिए। तो 1990 में भारत के जो कानून मंत्री थे, कानून मंत्री या मतलब जिसको आप लोग विधि मंत्री भी कहो, कानून या विधि मंत्री जो थे वो थे दिनेश गोस्वामी, समझे, दिनेश गोस्वामी। ठीक उसी तरीके से 1999 में जब एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय यही कानून और विधि मंत्री बन गए अरुण जेटली। ठीक, अरुण जेटली। तो 1999 में अरुण जेटली के द्वारा, 1999, ठीक है, तो 1990 में दिनेश गोस्वामी के द्वारा और 1999 में अरुण जेटली के द्वारा यह जो संशोधन विधेयक है यह पेश किया गया, समझ गए, मतलब कि ऐसा एक आयोग बनवाने के लिए एक ऐसा विधेयक पेश किया गया, लेकिन यह विधेयक जो है वो किसी कारणवश क्या हो गया, फेल हो गया। यानी 1990 में और 99 में जो ये पेश किया गया था इस चीज़ को लाने के लिए वो तो फेल हो गया, लेकिन वर्तमान में जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, और मोदी जी की पहली जो सरकार आई है वो सरकार आई 2014 में जैसे ही सरकार आई, तो वर्तमान सरकार का सबसे पहला ध्यान यही गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी भाई भतीजावाद हट जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए और एक ऐसा आयोग का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान सरकार ने 99वां संविधान संशोधन पेश किया 2014 में, समझे, 99वां संविधान संशोधन पेश किया और पेश करा के इसको लोकसभा,
लोकसभा के अंदर दो तिहाई बहुमत से तथा राज्यसभा से भी दो तिहाई बहुमत से क्या कराया गया, पास कराया गया। ठीक है, तो लोकसभा से भी दो तिहाई, राज्यसभा से दो तिहाई से भी पास कराया गया। और आप जानते हैं कि यह कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया से चेंज होने वाला सिस्टम था, तो आप जानते हैं कि 368 का जब प्रयोग करते हैं तो उसका दो तरीका होता है। अगर वैसा कोई सब्जेक्ट जिसका संबंध केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उस पर अगर असर पड़े, है ना, तो उसको पास करवाने का तरीका होता है दो तिहाई लोकसभा, दो तिहाई राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति का साइन। लेकिन कोई ऐसा विषय हो जिसका असर केंद्र और राज्य के संबंधों पर पड़ जाए, जब नहीं पड़े तो ऐसे से काम चल जाएगा। और अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर संबंध वाला कोई विषय है और उसमें अगर कोई चेंज करना हो, संशोधन करना हो, तो उसके लिए लोकसभा से दो तिहाई, राज्यसभा से दो तिहाई पास कराने के बाद भारत के अंदर में अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम उसका 50% मतलब 14 राज्य के विधान मंडलों से भी पास करवाना पड़ेगा, तब वो जाके पास होगा। तो ये न्यायपालिका जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध को मेंटेन करता है। तो न्यायपालिका में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा तो उसका असर सीधा संबंध पर पड़ेगा, इसलिए इतना से पास कराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 50% राज्य से भी पास कराना पड़ेगा। तो हमारी सरकार वर्तमान जो है वो लोकसभा से तो दो तिहाई से पास करवा लिया, राज्यसभा से भी दो तिहाई से पास हो गया, और इसके साथ साथ मजेदार बात तो ये है कि 50% से अधिक राज्यों से भी पास हो गया। सोचो, ये पारित हो गया कि हाँ ऐसा आयोग होना चाहिए, पक्ष विपक्ष सभी की सहमति बना करके इसको पास कराया गया। और पास कराने के बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, यानी राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात पर साइन कर दिया कि ठीक है, ये आयोग होना चाहिए। इस तरीके से 99वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद एक भाषा यहाँ बना दिया गया। और भाषा क्या बनाया गया कि राष्ट्रपति, पहले क्या था कि राष्ट्रपति जो है वो कॉलेजियम सिस्टम माने न्यायपालिका के सलाह से ही जजों की क्या करती नियुक्ति करेगी, लेकिन यहाँ भाषा चेंज कर दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत, क्या कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सलाह पर करेगा, आयोग के सलाह या सिफारिश से जजों की नियुक्ति, समझ रहे हैं, यानी राष्ट्रपति अब कैसे नियुक्ति करेंगे, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सिफारिश से जजों की नियुक्ति करेंगे। तो 99वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदल दिया गया और बदल करके ये भाषा लिख दिया गया। और इसके साथ साथ क्या कराया गया, सो देखिए, इसके साथ साथ एक और अधिनियम बना दिया गया और उस अधिनियम का नाम ही पड़ गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ संविधान में संशोधन करने के साथ साथ यहां अधिनियम भी पारित किया गया, इस अधिनियम का नाम हो गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि यह जो आयोग होगा इसमें 6 सदस्य होंगे, यह जो आयोग होगा इसमें 6 सदस्य होंगे, और यही 6 सदस्य जिस जज का नाम सिफारिश करेंगे उसी को सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और ये 6 सदस्य होंगे कौन कौन, सो देखिएगा, एक तो भारत का CJI होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश। तो एक तो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि CJI के बाद जो मोस्ट सीनियर हैं, उसके बाद जो मोस्ट सीनियर हैं, तो CJI के बाद के जो दो क्या हैं वरिष्ठ जज हैं वो भी इसमें होंगे। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, एक CJI और 2 अन्य वरिष्ठ जज, 3 हो गए। एक होंगे इसमें विधि या न्याय मंत्री, जो भारत का विधि और न्याय मंत्री, देखो यहाँ पर न्यायपालिका के अंदर में कौन घुस गई, कार्यपालिका, मंत्री भी इसमें आ जाएंगे। कॉलेजियम सिस्टम में कौन है, सिर्फ और सिर्फ 5 जज, वो जिसका नाम सजेस्ट करते हैं वो वहीं का जज बन जाता है। लेकिन अब कहा गया कि नहीं नहीं सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा बल्कि इसमें हम बदलाव करेंगे, ये 6 सदस्य में कोई और भी होंगे। तो 3 तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के लोग हो गए, 3 तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, 1 हो गए लॉ मिनिस्टर, कितने हो गए, 4। 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनको मनोनीत किया जाएगा, मतलब अपॉइंट किया जाएगा, 2 सदस्यों का क्या मनोनयन होगा,
मनोनयन होगा, मतलब इनको अपॉइंट किया जाएगा दो को, और अपॉइंट करने वाले कौन होंगे, तो ये त्रिस्तरीय एक क्या होगा, आयोग होगा। मतलब इसमें तीन लोग मिलकर के एक आयोग बनाए जाएंगे, वो कौन कौन होंगे, भारत का एक पीएम होंगे, भारत का राष्ट्रपति, समझ रहे हैं, फिर सीजेआई इसमें भी बैठे रहेंगे, और तीसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता, जो विपक्ष नेता होगा, है ना, जो चुनाव में सरकार नहीं बना पाया लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का जो सबसे हेड नेता है उसको विपक्ष नेता कहा जाता है। तो ये पीएम, सीजेआई और विपक्ष का नेता, ये तीन लोग मिलकर के ये दो नाम को सजेस्ट करेंगे और वो भी इसका सदस्य हो जाएगा। लेकिन कोशिश किया जाएगा कि इसमें से एक सदस्य जो हों वो एक सदस्य एससी या एसटी या पिछड़ा या महिला हो, मतलब एक इसमें से कोई एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, और एक और जिसका नाम उस योग्य जिसको समझा जाएगा उसको दो को इसमें अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये जो छह लोग होंगे ना, यही छह लोग से बना हुआ आयोग को कहा जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और यही छह लोग मिलकर के जिस नाम को सजेस्ट करेंगे राष्ट्रपति, उसी को सुप्रीम कोर्ट के रूप में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज के रूप में अपॉइंट करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ बन गया, सारा मैकेनिज्म तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, क्यों, क्योंकि कहा कि न्यायपालिका के अंदर में ये कार्यपालिका और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अगर होगा तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका के दबाव में आ जाएगा, या कार्यपालिका का कोई चमचा यहाँ जज बन जाएगा तो वह हमेशा सरकार का तोता बन के काम करेगा, इसलिए न्यायपालिका के अंदर में कार्यपालिका का हस्तक्षेप यानी मंत्रियों का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए जैसे था पहले वैसे ही ठीक है। ये जो आप लोगों ने मैकेनिज्म और ढांचा बनाई है, ये ढांचा संविधान के विपरीत है, ये असंवैधानिक है, इसको जैसे ही घोषित कर दिया तो ये सारा क्या हो गया, बोलो, ये सब के सब खत्म हो गए जो भी सिस्टम बने थे, और जो पुराना कॉलेजियम सिस्टम था वही क्या होने लगा, बताइए, वही सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज के डेट में भी जजों की नियुक्ति ठीक वैसे ही होती है जैसे पहले होती थी, कौन सा, 1998 के निर्णय के बाद से आज भी जज वैसे ही होता है जैसा कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था, लेकिन ये जो सरकार चेंज करने का प्रयास की वो चेंज जो है वो वैलिड नहीं माना गया, और यहाँ पर इसको डिस क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समझ गए।